भजन ये तो फ्लाई फ्लाई कर रहे हैं। मोए मोए यार ये ना पता है तुमने मेल पकड़ा है, ये मर्द है बेचारा, तभी ये आराम से पकड़ा गया तो भाग नहीं रहा था ना, तो वही कह रहा ना मर्द है। हाँ ये मर्द देखो जैसे ही हम हमला हुआ औरतें भाग गई, औरतें भाग गई। वो शायद है जो तो चलते देखते हैं पहले। वाह जी माशाल्लाह, चेक करें जरा। और ये माशाल्लाह से मैं आपको दिखा दूं, ये है भी रेड आई, ठीक है ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, हमारे जो लव बर्ड्स का जो होता है एक उधर का भी वो बच्चा निकला है, हलीम ने भी जाके चेक किया और कह रहे कि रेड आई है, तो ये तो और भी हमारे लिए खुशखबरी की बात है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जो है बर्ड निकल आए। तो दो साथ में जो है बजिश के भी बच्चे निकल आए थे, तो ऐसा ऐसा हमारे जो बर्ड्स है वो ज़्यादा और होते जा रहे। अभी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इन लोगों ने भी जो है अंडे दिए हुए तो ऐसे भी बर्ड जो फिंच वगैरह वो निकल आएंगे, तो और भी हमारे जो दोस्त है वो ज्यादा हो जाएंगे। अंदर चलते हैं कबूतर का केज में, उसके देखते हैं क्योंकि वो भी अंडों पे बैठी हुई थी, तो जाके वो देखते हैं कि उसका क्या हुआ है, उसके कुछ अंडे वगैरह वो ठीक है कि नहीं है। और जो एक अंडा टूटा हुआ था जिसको हमने कुछ हलीम ने जुगाड़ किया हुआ था नील पॉलिश लगा के, लेकिन उसको हलीम कह रहे कि मैंने फिर बाद में भी चेक किया था तो वो ठीक ही है, मतलब ख़राब नहीं किया हुआ। तो चलो अंदर जाके देखते हैं कि उसके अंडे ठीक है और वो बैठी हुई है कि नहीं है, तो अल्लाह करे उसके भी बच्चे निकल आए। तो इस तरह हमारे जो बर्ड वगैरह है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा अलीम, बहुत बहुत मुबारक हो यार आपको रेड आई बर्ड का। अच्छा मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि फिंच के जो अंडे दिए हुए वो भी इंशाल्लाह कुछ रिजल्ट आएगा उससे भी। हाँ तो नहीं आएगा क्योंकि पेयर बने ना, पहले पेयर नहीं थे, अब पेयर बने तो मुझे लग रहा है कि अच्छे से ब्रीड करेंगे। अच्छा बिल्कुल। वो अंडा उसका चेक करते हो जो आपने नील पॉलिश लगा के ठीक किया हुआ था? चेक किया था। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से बार बार डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है इनको। चलो कल रात चेक किया था, ठीक था, मेरा ख्याल से निकल ही आएगा, अगर अल्लाह ने करना हुआ तो निकल ही आएगा। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह। प्लान अब ये नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमने अभी खरगोशों का घर वो करना है। अच्छा यहाँ पे नीचे? हाँ इस जगह पे। मैं फर्ज करो कि कबूतर का केज पीछे रहे भी, और हम यहाँ से जो है वो पिजन्स का घर बना रहे हैं यहाँ से इधर तक। हाँ ठीक है, सही। बाद में हम क्या करेंगे कि उसको मूव ऑन कर लेंगे जब उसके बच्चे निकल आएंगे। हाँ हाँ, वो हम उठा के हम ऊपर लगा देंगे। अच्छा यहाँ पे? हाँ यहाँ पे लगा देंगे, वैसे हमारे पास पेटियाँ पड़ी हैं कुछ ना। हाँ ये क्योंकि अभी तो बारिश और धूप का खतरा तो है नहीं। हाँ। ये तो हमने ऊपर से जो है तो कवर किए हुए मुकम्मल। हाँ ये बिल्कुल। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे खरगोशों का कर लेते हैं। अच्छा, इनको फिलहाल यहाँ पे रहते हैं जब तक उसके बच्चे नहीं आए, बच्चे आएंगे तो उनको मूव ऑन करेंगे। हाँ क्योंकि अभी तो इसको नहीं हिला सकते ना, क्योंकि अभी अंडे पे बैठी हुई है। सही सही है ना? हाँ बिल्कुल, बस ठीक है। जगह मेरे ख्याल से परफेक्ट है, इस जगह पे हम खरगोश के लिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छा, तो एक दो दिन में आगे खरगोश भी पड़ जाए। अच्छा, और ये मतलब खरगोश और इनका कोई आपस में कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं होगी ना? है वो मोहब्बत वाली पार्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये खरगोशों से कुछ नहीं कहते, और ये मुर्गियों के साथ लड़ते हैं, और ये बटेर वगैरह नहीं है उनके साथ लड़ते हैं। फिर तो ठीक है, वो हर जगह घुसती है ना, खरगोश जो होता है वो अपने मतलब से जाता है, अपने मतलब से काम करता है, वापस अपने घर में चला जाता है। वो तो एक बात और है ना। हाँ। खरगोश तो यार मैंने देखा है, वो तो मिट्टी में रहते हैं ना, ये तो ईंट है यार। भैया ने सारा काम किया हुआ है ना। हाँ वो देखिए मिट्टी आई भी है बाहर। हाँ ये देखें, ये पड़ी हुई है सारी मिट्टी, ठीक है, ये सारी बोरियों में मिट्टी पड़ी हुई है थोड़ा। अच्छा मैं समझा, ये आप लोग सीड वगैरह लेके आए इस जगह के लिए? नहीं नहीं, ये मिट्टी पड़ी हुई है, और ये मिट्टी जो है यहाँ पे हम बड़ी बड़ी जो हांडिया सी होती है ना। हाँ हाँ, उसके ऊपर ढकने होते हैं, उसको इस हिसाब से सेट करेंगे या मिट्टी के हिसाब से कुछ कर लेंगे कि उनका घर बन जाए, और उसके बाद उसके अंदर पाइप लगा के यहाँ पे एग्जिट दे देंगे। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, सारा मिट्टी के अंदर बंद होगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसने पाइप लगाया कि नहीं। चलो आपने तो फिर इसका बहुत ही प्रॉपर वो सोचा हुआ है। कैच मैंने पूरा अपने माइंड में बनाया है कि आप लोग ऊपर है, आपके लोग कैसे बना सकते। चलो करते हैं इस पे काम, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना है आज से कर लेते हैं, नहीं तो फिर कल से करेंगे, जैसे आपकी मर्जी। सेटअप की बुनियाद तो आज ही रख लेते हैं। अच्छा बाकी काम जो है होता रहेगा। चलो ओके। अच्छा मेहरान साहब, घास खाने से फुर्सत मिली है तो एक और काम भी आज। अरे घास नहीं, ये बहुत मुफीद चीज है, ज़हन के लिए बहुत अच्छी होती है, नियाज़बो के पौधे पत्ते खाना। पौधे? अच्छा क्या काम है? काम ये कि वो जो हमने बटेर उसमें छोड़े हुए थे ना बड़े केज में, हाँ हाँ, वो उठा के इस भजी केज में जो है शिफ्ट करना है, और वो साथ में हमारी छोटी सी
जो एक्सीडेंट हुई हुई डव है उसको भी इसमें शिफ्ट करना है। हाँ यार, ये हमने तो कहा भी था इसको शिफ्ट कर देते लेकिन बीच में वो काम आ गया आपको पता ही है, तो चलो इसको पहले इस यहाँ पे शिफ्ट कर देते, बाकी कामों को बाद में देखते। आज पहले बटेर पकड़े चलो। अच्छा, तो कहेगा यार बल्कि एक काम करते हैं ना यार, एक काम करते हैं यार। क्या? पहले उनका घर तो वहाँ बराबर करें ना। घर तो बना है ना, ये केज में रखते हैं ना वो, वैसे खुला तो नहीं छोड़ेंगे ना, मतलब कोई चार दीवारी करके छोटी सी उसके ऊपर जो है वो कवर अप करके अंदर भूसा वगैरह डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, भूसा डालना। हाँ अच्छा अच्छा, सर्दी है ना, गर्म रहेंगे, वैसे भी अंडों की फैक्ट्री हो तो। अच्छा अच्छा, ये तो है, अंडे देते रहते हैं। तो पहले मैं कहता हूँ पहले सेटिंग करते हैं। इधर भी एक अंडा दिया हुआ है बिल्कुल दरवाजे के उस साइड पे, ये जरा चेक करें अंडा कहाँ दिया, ये देखें। बस जिधर बैठ जाते हैं उधर ही अंडा दे दे, यहाँ दिए दिए जी दरवाजे के बिल्कुल सामने जो है उसने अंडा दिया हुआ। ओए, एक और यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा, एक इसको उठा देते, दूसरा ये देख अंदर कितने जमा किए फिर इन लोगों ने। हाँ, और ये देखें जी यहाँ कितने अंडे दिए इन्होंने। ये तो कितने जमा किए, ये मैंने इस तरह एक बर्तन उठाए और ये तकरीबन 100 अंडे ये भी है। 100 अंडे और इसमें भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये घूमते फिरते हैं। ये तो हमारे यार मजे हो जाने जब इंक्यूबेटर आता है मेरा। हाँ, इंक्यूबेटर आ जाए यार बिल्कुल, इसको उधर रखेंगे तो दुआ करे सारे फर्टाइल हो। ये केरा, ये दुआ करे के सारे फर्टाइल हो, फर्टाइल होंगे फर्टाइल होंगे। एक मेल के साथ हमने 3 फीमेल छोड़ी हुई है ना। नहीं, ये बहुत गंदा हुआ है क्योंकि मछलियाँ तो अभी इधर है नहीं, और बस ये केज मुकम्मल खाली करके ना इसकी बस प्रॉपर तो सफाई करते हैं। ये चीज जगह ना थोड़ा तोड़ देते हैं सारी। अच्छा, ये सारी जगह तोड़ देते हैं, ये भी तोड़ देते हैं, सिर्फ वो फाउंटेन पड़ा रहे बस। अच्छा ठीक है, बस वो वहीं पे अगर हम कभी चलाना चाहें तो वहीं पे पानी का जो सर्कुलेशन होती रहे उसकी, लेकिन ये सारा तोड़ देते हैं। ये सारा ना जगह घेरी हुई, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ और चीज रख सकते हैं, क्या कहते हो आप? हाँ रख तो सकते हैं, काफी खुली जगह है बड़ी। चलो देखते हैं ना, तो अभी तो बटेर शिफ्ट कर देते हैं, अगर इसको तोड़ने सही है, ये वाली लकड़ी मैं उठा रहा हूं, थोड़ा बस अगर वही लकड़ी उठा लो। चलो ये मैं उठा देता और बाहर से कुछ ईंटें लेके ना फिर आगे पहले यार घर बनाते हैं। साथ में हमें ये लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये भी इधर सारे नहीं नहीं नहीं, वहां पे ना हम नया लकड़ी का बोरा जो लेके आए थे ना मोटा वाला वो डालेंगे। चलो ठीक है, और मेहरान साहब ने जो है उनका घर बनाने का स्टार्टिंग ले लिए। मेहरान साहब, हां जी, सही बन रहा है? एक बात बताऊं जी, बन भी गया घर, बन गया। ये ईंट इसके ऊपर रखो ताकि ये हिले ना तख्ता यहाँ से। और यहाँ पे बस ये बन गया, पहले इसके अंदर ये भी डालना करना भजन। ओहो, तो मसला नहीं, ये उठा के हम ये डाल देंगे, ये डाल दो। चलो हाँ, और ये लकड़ी का हमारे पास वो शेविंग भी आ गई, और ये आराम से ताकि जो बटेर वगैरह है वो ना आराम से रहते हैं। वैसे इस तरह का घर अच्छा है यार, ये ठीक है ना, हवा नहीं लंबा भी है ना, लंबा भी और हवा भी नहीं जाएगी। हाँ, बटेरों का घर बना लिए। हाँ जी, इसके ऊपर लेंटर भी डाले ना। अच्छा अच्छा, यार लेंटर सरिया बहुत महंगा आता है ना अभी आजकल, बस आप ऐसा करें लकड़ी का डाल दें वही अच्छा है। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी एक इंट फिर से रखूं? मेरा तो ख्याल से अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है यार, ठीक है बस, ठीक है ना, बस ठीक है। और व्यूअर्स देखें, हमने बटेरों का घर बना दिए, और बज्जीस के घर के नीचे, पहले वो फिंचेस के घर के नीचे थे, अब वो बज्जी से घर के नीचे। चले बात, उनको लेके आते हैं। चले मेहरान साहब, आप तैयार हैं? यस। वो अंदर पहले से बैठी भी उसी को पकड़ ले सबसे पहले, अभी होगा हमला। वो सारे बैठे हुए इधर आके ये ना पता है तुमने मेल पकड़ा है, ये मर्द है बेचारा, तभी ये आराम से पकड़ा गया, तो भाग नहीं रहा था ना, तो वही कह रहा ना मर्द है। हाँ, ये मर्द देखो जैसे ही हमला हुआ औरतें भाग गई, औरतें भाग गई। वैसे बहरहाल वो बात नहीं, हम बाकी औरतों को नहीं बोल रहे, लेकिन ये है कि अभी जानवर में इस तरह ये, अब वो भाग रहे, इसका क्या करूं, बस 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 अभी ठीक हो गए, अभी ये दे, अभी रिलैक्स हो गए। या मुझे पकड़ाते जाएं, ये ले, आप और लेकर आते जाएं। ओए काट रहे क्या, काटना तो नहीं चाहिए वैसे इसको। ओए तू और आगे कर रहे, काटना तो नहीं चाहिए। तो ये क्या, ये देखना, मुझे नहीं लग रहा इसने आपको काटा है। यार ये क्या,
पकड़ लिया। किधर है? अंदर ये और किधर है, क्या मतलब है? चलो यार, इतना मुश्किल नहीं था जैसे कि मैं सोच रहा था। वो मुझे जो नजर आ रहा था कि अब फिर फिरना दौड़ना होगा, लेकिन वो वाला सीन नहीं था। चलो हो गया, मेल है कि फीमेल है? यार लग मुझे वैसे मेल मेल रहा है। मेल रहे क्योंकि वो लंबा हो रहा था। आवाज बोलना, लेकिन फेस फीमेल है। अच्छा आओ चलो वहां चलते हैं, इनको भी छोड़े। जी यार हमारे बहुत अच्छे हैं, छोड़ दूं। गेट की तरफ नहीं आ रहे। ओए वो अंदर चला गया। हां तुम भी अंदर, दोनों अंदर चले, चला जाओ। दोनों और भी आ जाए उसके पीछे। चलो आओ बाहर निकले। तो व्यूअर्स, हमने बर्जिस के केस के अंदर अपनी जो डव थी उसको और जो हमारे बटेर थे हमने उनको शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने का रीजन सिर्फ ये है कि सर्दी बहुत ज्यादा है और बड़े वाले केस को कवर करने में हमारे काफी मुश्किलात का सामना है, तो हमने इसलिए इस केस के अंदर डाला कि इसको हम वैसे ही कवर कर लेते हैं आसानी के साथ। तो अब इसके अंदर जो है वो इनका घर भी बना दिया हमने प्रॉपर मेहरान साहब ने, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा बनिस्बत जो है बड़े वाले घर के। हमने इनका इससे बड़ा घर बना दिया, जितना घर उधर बना था उससे बड़ा घर हमने इनका यहाँ पे बना दिया है मेहरान। हाँ बहुत, बस घर तो बंद भी है, वो उधर तो खुला घर था और यहाँ पे जो है तो फ्रंट से भी इंट हमने लगा दिया बंद किया ताकि हवा जो है डायरेक्ट ना जाए। वैसे इस केज में तो हवा जाती भी नहीं है रात के टाइम क्योंकि इसको तो हम कवर करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता अगर फिर कोई ठंडक और होती ना तो हवा फिर भी अगर थोड़ी बहुत तो उधर नहीं जाएगी अभी। वैसे अपडेट क्या है फिंचिस की? फिंचिस का तो मुझे पता ही नहीं कि इनका ब्रीडिंग का दो तीन पेयर ने तो अंडे दिए थे, बाकी ने किसी ने दिए? बाकी हाँ तीन ने किए, चार ने दिए हुए थे। और मेहरान साहब फरमा रहे हैं कि तीन चार पेयर ने अंडे दे दिए, मतलब चार पेयर ने अंडे दिए तो कितने कितने अंडे दिए हैं? वैसे ज्यादा भी हुए मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले तो दो दो थे। हाँ पहले तो दो देते, अभी चेक करते हैं कि कितने हुए। चेक करने अभी मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब ना हो ना यार, हम बार बार चेक करते हैं ना डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ ज्यादा उस दिन मैंने चेक किए थे, एक में तकरीबन चार अंडे पड़े हुए थे तो दूसरे में आई थिंक इस तरह चार पांच दूसरे में भी थे, तो ज्यादा हुए। पहले तो दो दो थी, अभी दो दो नहीं है। अच्छा सब में जो है ज्यादा ज्यादा अंडे पड़े हुए, इसका मतलब हमें सात सात आठ आठ बच्चों की उम्मीद है इसके अंदर। हाँ हाँ इंशाल्लाह इस बार जो है अच्छी खासी हमारी ब्रीडिंग जो है हो जाएगी। यार ये एक डिब्बे में चार क्यों बैठी हुई है? यार बस उनका दिल कर रहा होगा चार बैठने का। हाँ वो एक वाले बॉक्स में नजर आ रही है मुझे भी, उसमें तीन तो बाहर ही बैठी हुई है, एक ऊपर बैठा हुआ। चलो खैर कुछ ना कुछ सीन होगा उनका अपना। चलो ओके, बटेर को आज हमने शिफ्ट कर दिया जो उनकी जो नई घर बनाए वहां पे, बाहर जिधर हमने बजिस का जो केज बनाया था उधर बजिस के केज के नीचे ही हमने उनका घर बना दिया, लेकिन थोड़ा सा उसको बंद कर दिया ऊपर से भी। उसके ऊपर तो वो एक शीट रख दिया और नीचे जो है ईंटें लगा दी साइड पे ताकि हवा उसको ना लगे और वो गर्म रहे। आज एक बर्ड जो है रेडाई का भी हमारे पास निकले अंडे से, तो बहुत खुशी की बात है। और जो दो बजिस के बच्चे थे वो भी बहुत ही अच्छे, उसको आज हमने चेक कर लिया, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और उनको फीड भी जो है बहुत ही मजे के जो लवबर्ड ने खिलाई है। हालांकि उनकी माँ है भी नहीं, लेकिन ये कि वो तो है जानवर, उनको तो पता नहीं है कि अब मेरे ही बच्चे के या किसी और के। बस हमने जो बजिस के अंडे वो लेके आए थे वो उनको रख दिए, तो उससे जो है चार बच्चे निकल आए थे, दो तो मर गए तो और दो जो है अभी तक माशाल्लाह सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल बर्ड गैलेक्सी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।